स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट ट्रिक वाला, या ऐसा क्वेश्चन जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं मौजूद और आपने जल्दी जल्दी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारे पास क्यूब फाइंड करना। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर आपके पास 2 डिजिट्स में है, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 22, 31, 41, 42। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड करने का तरीका जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास कैसे उसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास एंट्री टेस्ट में या कहीं भी एमसीक्यूज में आ सकता है तो आप जल्दी जल्दी उसको कर सकते हैं। हम सबसे पहले उसका मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद हम कोई एक आधी दो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आपके पास लेट्स सपोज कोई नंबर है, लेट्स सपोज नंबर है हमारे पास 12 और इसका हम क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर है 12, इसका क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो नंबर है आपके पास ये क्या है, ये है 2। 2 का क्यूब क्या होता है 8। आप लिखोगे यहां पे 8। अब क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब, तो इसके साथ 3 डिजिट्स लिख देने हैं, मतलब एक 8 हो गया और इसके अलावा 2 डिजिट्स। इसके बाद इससे आगे वाला डिजिट देखिए ये क्या है आपके पास 1। 1 का क्यूब लिया तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो हम यहां पे लिखेंगे 1। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को ये वाला 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस क्यूब के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब ये जो नंबर है आपके पास जिसका क्यूब फाइंड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर के साथ जो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया, वो था 6। 12 6 था 72। हम क्या करेंगे, यहां से एक नंबर छोड़ के ये वाला डिजिट है यहां पे हम इसको लिख देंगे इस नंबर को 2 7। अब हम ऐड कर देंगे सिंपल, ठीक है, 8 0 प्लस 2 2 0 प्लस 7 7 और ये 1 एज इट इज, तो ये हमारे पास क्यूब आ गया 12 का। इसी तरह आप किसी भी नंबर का, आपने 22 है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास 43 है, आपके पास 53 है, कोई भी आपके पास बड़े से बड़ा नंबर है 77 है, कोई भी नंबर है 99 तक, 11 से 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर है उसका क्यूब फाइंड करना है, तो सेम आप इस मेथड से जल्दी जल्दी कर सकते हो। क्या करना है आपने, आपने क्यूब फाइंड करना है 22 का। हम क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब, क्यूब इसका 2 का क्यूब आता है 8, कितना हम 3 डिजिट में लिखेंगे। अब 8 आ रहा है, इससे पहले हम 20 लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा जो नंबर है उसका क्यूब, वो क्यूब आ रहा है हमारे पास 8। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को, 2 2 4, और फिर जो आंसर आया 4 3 12। अब इस 12 को इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस नंबर के साथ 22 के साथ। 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो आंसर आपके पास आ गया 4 6 1 164। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर में ऐड कर देंगे 1 यहां पे लिखना है 4 6 1, एक नंबर छोड़ के लिखा 8 एज इट इज, 0 प्लस 4 4 0 प्लस 6 6, 8 प्लस 1 9, तो हमारे पास 22 का जो क्यूब है उसका आंसर आता है 9 6 4 8। इसी तरह आपने किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का फाइंड करना है तो आप इसी मेथड से जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपके पास एक नंबर आ जाता है 0 वाला, जैसे हम कर लेते हैं हमारे पास है 20, कोई भी 0 वाला नंबर है, 70 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 80 है, 90 है, तो आप सिंपल, अब हमने जो मेथड किया उसमें हमने लास्ट में मल्टीप्लाई करके और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं इसका सिंपल है, 0 का क्यूब 0, अब 3 डिजिट्स में लिखना है तो हम 3 0 लगा लेंगे। अब दूसरे नंबर का आप क्यूब लोगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, हम यहां पे
8 लिखेंगे तो सिंपल इसका आपके पास 20 का क्यूब किसके इक्वल आता है 8000 के इक्वल आता है। इसी तरह आप 30 का कर सकते हो, 30 का सिंपल 0 का क्यूब, फर्स्ट इसका क्यूब लिया 0, 3 डिजिट्स में लिखेंगे 0 0 क्योंकि 0 का क्यूब 0 था, इसके साथ दो जीरो हमने और लिखे। इस दूसरे नंबर का क्यूब 3 का क्यूब होता है 27, तो हम यहां पे लिखेंगे 27। तो जीरो वाले के साथ हम जो दूसरा स्टेप था, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 ऐड होगा। तो ये जो आंसर है, जीरो वाले में आपने सिर्फ दूसरे जीरो का क्यूब लेना है और उसके साथ दो जीरो ऐड कर देने। इसके बाद जो आगे वाला नंबर है 3 है 4 है 7 है 8 है जो भी है उसका क्यूब लेना है, तो आपके पास आप उस जीरो जिसके साथ जीरो आ रहा है उस नंबर का आपके पास क्यूब आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप कुछ एग्जांपल खुद से ट्राई करें तो उम्मीद है आपको मजा आएगा इस तरह क्वेश्चन करके। मजीद इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।